इसका खट्टर का तो शर्म का बीज सह नहीं, मुख्यमंत्री बना बैठा है और सारे चोरा ने गोदी में ले बैठा है। और यू जो यूडीसी है ना, यू है दूषित का चमचा, और दूषित का तो नाश हो लिया, गल्ला इसका भी नाश करांगे। अरीब लठ मार के दिखाओ, आज आओ ये लेकर लठ, आज देखांगे। ऐसे ऐसे बयान जो विवादित बयान देने लग रहे हैं, आपके ऊपर भी केस दर्ज हो सकते हैं। मेरे पे तो 12 तो पहले कर रखे हैं, मैंने न्यू कर रखी है 88 और कर दो पूरे 100 करो ना, मना डर हाथ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जींद इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। कल की जो वीडियो है, लगातार सरपंचों के ऊपर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज जो किया था, वायरल होने लग रही है। और इसी को लेकर के हरियाणा के तमाम सरपंच गुस्से में आग बबूला है और एक बड़ा फैसला यहाँ पर आज लेने वाले हैं। जो खाप पंचायत कंडेला, खाप पंचायत के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश, जो पूर्व सरपंच कंडेला गाँव से, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। माजरा खाप भी यहाँ पर पहुँची है और सरपंच एक बड़ा फैसला यहाँ पर लेंगे आज। क्या कुछ फैसला होगा वो भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। फिलहाल कंडेले वाली तो ताई है, किसान आंदोलन के दौरान काफ़ी जो वीडियो इनकी वायरल हुई थी लगातार, बीजेपी को लेकर के या फिर जेजेपी को लेकर के जो इनके जो बयान है वो वायरल होते हैं। सबसे पहले तो कंडेले वाली ताई जो, राम राम आपको। राम राम भाई, राम राम। सरपंच भी है हमारे साथ, कौन से गाँव की सरपंच? क्या नाम है? कविता देवी। कविता देवी, आप जी? मैं सुषमा हूँ जी, सरपंच है ये भी हमारे साथ मौजूद है। ताई जी, कल का जो प्रकरण है, वीडियो आपने देख भी ली होगी, सरपंचों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? भाई बेटा, कल मेरा फोन हो रहा था बंद जी, और मन्ना बेरा आज पटिया है, आज भी पत्रकार ने बताया जसमत ने, मन्ने नहीं बेरा था, मैं जब सुन दे मैं जब चाली। भाई जो कल इसने ये लाठी चार्ज करवाया है ना डीसी ने, एसपी ने, इसका इन भुगतना पड़ेगा बहुत घना बड़ा। यू इन्हें मतलब छेड़खानी करी है, जो प्रदर्शन करने का भी सबका अक्स है, अपना ज्ञापन देने का भी सबका अक्स है। अरे इस डीसी में तो इतना घमंड है, हमें कितने ज्ञापन देना आकर दे, जब किसाना का धरना धरिया था, कदे नीचा नहीं उतरिया यू कदे भी, फिर यू आड़े बैठा के करना है कुर्सी पर, जब यू जनता की नहीं सुन सकता, अतः कुर्सी ने क्यों तोड़न लग रहा है, यू जनता खातर होगा यू है। और काल भाई ये थोड़े देख कर नहीं सोचा, ये न्यू ना सोचिए भाई, एक एक सरपंच ये गांव गला, इनका गला साबत गांव है, एक एक गांव साबत ऊठ का होगा ना, ये न्यू ला लिए अगर भाई ये सरपंच मतलब ऊँ फद्दू ला रहे हो, ये बहुत घने वोटा तो जिता रखे हैं और हमारे आदरणीय हैं, ये गांव में जो चाहो तो ये मुसी भी नहीं बढ़न देंगे, इन आग न्यू को दिख दिखे तुमने गामा में बढ़ना, ये हो वे काम कराओगे आंदोलन का टाइम जो करिए गामा में इनका बैन ला रखा था बढ़न तय। ये परसों का तल प्रोग्राम था, उस खेल मंत्री बदली, तो जाने दे जाने दे जाने, खेल मंत्री बदली ओड़ा उदन उसका बैन ला दिया, ओड़ा कथल में नहीं बढ़ागा, इसका खट्टर का तो शर्म का बीज सह नहीं, मुख्यमंत्री बना बैठा है और सारे चोरा ने गोदी में ले बैठा है। और यू जो यूडीसी है ना, यू है दूषित का चमचा, और दूषित का तो नाश हो लिया, गल्ला इसका भी नाश करांगे। अरीब लठ मार के दिखाओ, आज आओ ये लेकर लठ, आज देखांगे। ऐसे ऐसे बयान जो विवादित बयान देने लग रहे हैं, आपके ऊपर भी केस दर्ज हो सकते हैं। मैं न्यू कू, मेरे पे तो 12 तो पहले कर रखे हैं, मैंने न्यू कर रखी है 88 और कर दो पूरे 100 करो ना, मना डर हाथ, हाँ जमा करो और आज आ जाओ लेकर लठ, आज इनकी देखिए जितने है ना खा जाएंगे इन्हें काट काट कर, आम पाली तो इन्हें छेड़ देनी और पत्थर इनका गला कसर छोड़ देनी, ठीक यह बात है भाई। यार गणे तो गणे भाई, यह वीडियो देखियो और इस इनका साथ दो भाई, सरपंचा का जितने हैं ये के अकेले हैं ये बैठे आड़े सारा गांव के काम आओ। इंद्र बबली का बयान है मंत्री का, पहले भी आप उसको लेकर के आपका विवादित बयान जो वायरल हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि सरपंच नहीं विरोधी बैठे हैं, सरपंच तो अपने गांव का विकास करने लग रहे हैं। सार देऊंगी मैं, उतनी न्यू को नहीं दिख दी, और ये कौन बैठे हैं, ये सारे सरपंच होंगे, ये सरपंच होंगे, ये और बताओ उसके बाती हैं, ये उन पूछनिया हो को तो वो पैसा बन रहा, वो 200 करोड़ रुपये दे कर वो मंत्री बनया, और नहीं सोचा तू पहले 200 करोड़ पूरे करिए और 200 फिर फालतू करिए, और ऐसा दूध दोया है उतनी जब किसाना ती बिगाड़ दी थी, उतनी माफ़ी भी ना मांगी होगी, जब भी ना माफ़ी मांगी होगी, अरे भी माफ़ी मंगा जाएंगे जो अपनिया पावांगे ना, यू कोडा कोडा माफ़ी मांगेगा, कहता मंत्री है तो छोड़ देगा, और का फिर सब सरपंचा पर माफी मांगेगा यू, ठीक है। फिर इन्हें क्यों करवाई थी यार, मतलब इलेक्शन नहीं करवाना था इन्हें, आप करें थे जिसा करें जानते, क्यों बनाए इन्हें ये सरपंच, यह बात है भाई, सब ने एक सब आओ भाई गामा मत, जो कर अपना किसान आंदोलन था ये भी यू आंदोलन ये बहुत घना तेज होगा इस बात के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे आप भी एक महिला सरपंच है, कल का जो प्रकरण पूरा हुआ आप भी यहीं पर मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर के?
पहली बात तो ये बहुत शर्म की बात है सरकार खतरा अगर इस सरकार का हो तो महिलाओं के बाल पकड़ पकड़ कैसे गाड़ियों में ठूसे हैं, जैसे जानवरों को भी नहीं ठूसता कोई भी, और ऊपर से वो दिया ऑर्डर कि इनको भगाओ यहाँ से, लाठी मार कर धक्के मार कर पकड़ कर कैसे भी इनको यहाँ से दूर करो। हमने 5 घंटे वेट कराया, 5 घंटे कोई थोड़ा टाइम नहीं होता, मीटिंग कितनी देर चल सकती है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 5 घंटा वेट करने के बाद ऊपर से ऑर्डर कर दिया है कि इनको यहाँ से भगाओ, मैं नहीं लूँगा इनका ज्ञापन, ऊपर आके दे जाओ। ऊपर आके हम 20 दिन पहले देने गए थे, हमारी 10 आदमियों की कमेटी थी, मैं भी गई थी वहाँ पर, इतनी अभद्र भाषा थी कि कोई भी 5 पढ़े आदमी भी नहीं बोलेगा जो ऋषि साहब ने बोली थी, तू तड़ाक करके 60 साल का बुजुर्ग आदमी हमारा था, वह बदपुर से सरपंच, उसको तू क्या कड़ है तेरी, तू हमने सर्व समिति तबड़ा रखा काम ने इस वजह तक है इस तरह की, तू तू तड़ाक की भाषा करके उसने बात करी थी, इस वजह तक कल हम ऊपर नहीं गए थे, हमने फैसला कराया था भाई ज्ञापन देंगे तो नीचे देंगे। SDM आया, हमने उसका स्वागत कराया, तहसीलदार आया उसका कराया, भाई हम स्वागत करते हैं तब आए हो, लेकिन आज हम ज्ञापन DC को देंगे, तो उसकी भाषा क्या थी, DC नहीं आएगा देना तो मेरे को दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर लाठीचार्ज होगा, जल्दी बताओ क्या करना है। हमने कह दिया भाई हम नहीं देंगे, कहते ही हमारे ऊपर धड़ाधड़ लाठी बरसाई। हाँ जी बिल्कुल, महिला फंसी, पुरुष फंसे, कोई फंसे, महिलाओं को पुरुषों ने भी मारा और महिलाओं ने भी मारा है। हाँ ताई, क्या अपील करेंगे लास्ट में हरियाणा सरकार को लेकर के, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और DC दुष्यंत चौटाला जो मांगों को लेकर के सरपंच बैठे हैं, इनकी तरफ से क्या संदेश आप उनको पहुंचा? भाई ना तो मुख्यमंत्री ना जो मुख्यमंत्री होया कर, जो उसका हिसाब किताब होया कर, ना तो मुख्यमंत्री अपनी उकात ने देख रहा और ना देख रहा दूसियत, ठीक है ना, इसे मुख्यमंत्री जब बढ़िया होता ना, ना तो सरपंच ने बैठना था और ना इन्हें कुछ नहीं करना था। मेरा तो यू संदेश है का तो बढ़िया रहेंगे, ये भी बतेरे दिन हो गए मांग मान लेंगे सरपंच की, और नहीं तो बोलिया जो कर कुत्ते ने मार का बंजारा रोया था ना, न्यू रो होंगे ये देख लिए। मेरा तो यू कहना है सब आओ भाई गामा मत जमा जितने हो, आंदोलन चालन दो। क्या कहेंगे आप, कौन से गांव से सरपंच? मैं एक कस गांव से सुषमा सरपंच हूँ जी। हम यही कहना चाहते हैं जी, या तो सरकार हमारी मांगे मान ले, नहीं फिर हम 2024 में इसको ईंट और जवाब का पत्थर से जवाब देंगे जी। 2024 तक ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, फैसला नहीं लेंगे। अगर बीच में कोई बड़ा फैसला ले लिया तो चाहे मरण मारण पे बात आओ जी, जब कुछ भी हो हम, और जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं जी और काम करेंगे हम। चलो चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया और कंडेला वाली ताई को लेकर के जो इनके जो बयान है, आपकी राय क्या है, वीडियो को शेयर करें ग्राउंड मीडिया के लिए। अपने कैमरा शो गिंजर के साथ मजो भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।